हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बैंड चाइनीज़ ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाइनीज़ 59 ऐप्स बैंड कर दिए गए हैं। इन 59 ऐप्स में से मैं टॉप 15 चाइनीज़ ऐप्स जो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहला है टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो ऐप, लाइकी ऐप, यूसी न्यूज़, एक्सेंडर, क्लीन मास्टर, कैम स्कैनर, वी मीट, एमआई वीडियो कॉल, वी मेट, कैम स्कैनर एंड डीयू क्लीनर ऐप। ये सारे ऐप भारत में अब बैन कर दिए गए हैं। इन ऐप्स का बैन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो चाइना है वो भारत में बहुत ही एक्सेस कर रहा था। मतलब जब आप ऐप्स को प्ले स्टोर से लोड करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सेस मांगता है, जैसे लोकेशन, कॉल इंक्वायरीज और बहुत कुछ। तो ये आपका चाइनीज़ ऐप्स आपके इंफॉर्मेशन का मिस यूज़ कर सकते थे, इसलिए इन्हें पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया गया है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या पबजी भी बैन हुआ है? तो मैं बता दूं कि पबजी इंडिया में बैन नहीं हुआ है, क्योंकि पबजी चाइनीज़ ऐप नहीं है। केवल इंडियन न्यूज़ वाले अपना आरटीपी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ दिखा रहे हैं कि पबजी चीनी समेत 59 ऐप्स में आता है और ये बैन हो गया है। तो आप ये ध्यान रखिए कि पबजी भारत में बैन नहीं हुआ है। इन ऐप्स का बैन होना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमें लोकल फॉर वोकल के लिए तैयार होना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का शुरुआत किए थे, वोकल फॉर लोकल, इसलिए हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो 59 ऐप्स बैन किए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दे दी है, आप वहाँ पे उनकी लिस्ट देख सकते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।